राम राम जी। और क्यों मजा रही है? आप ही वैसी वक्त कट रहा है। मेरा नाम है पवन लोहमोट। आज मैं बताऊंगा जापान में जो इंडियंस लोग आते हैं ना, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर जो देसी लोग आते हैं ना, उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है। अरे भाई, बहुत प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है ना एकदम एयरपोर्ट से निकलते ही, वो आती है टॉयलेट की। नंबर वन, टॉयलेट। टॉयलेट में क्या रहता है? टॉयलेट पेपर रहता है। यहाँ पर यार हमें आदत होती है पानी से धोने की, टॉयलेट पेपर से हमें आदत नहीं होती। बाथरूम में नलका ही नहीं होता यार। क्या तुम सोचोगे नहीं मैं अपना खुद पानी से जुगाड़ कर लूंगा? नहीं होता, नलका नहीं होता। मैं दिखा देता हूँ अपने बाथरूम में। अब जैसे ये देखो, ये है मेरा बाथरूम, सिर्फ टॉयलेट पेपर है, नलका वलका कहीं कोई नलका नहीं है, कुछ नहीं है। तो जापान में क्या होता है कि बाथरूम में नलका वलका कुछ नहीं होता, नलका सिर्फ एक होता है, ये ना, जैसे फ्लश करोगे ना तो ये नलका है। अब अपना जो भी बोतल से मग्गे मग्गे से जुगाड़ बनाना होता है ना, वो इसी नलके से पानी भरो, फ्लश करके फिर यूज करो। फिर अगर कम पड़ गया, जैसे मसाले पसाले ज्यादा खा लिए किस दिन, तो फिर दोबारा फ्लश चलाओ, फिर उसको करो। ये अच्छी चीज, जैसे फ्लश करते हैं ना, यहीं पे हाथ धो, वही पानी फ्लश में यूज हो सकता है, तो पानी की बचत तो होती है। पर इतनी बचत मत करो कि यार जो जनरली यूज है वो ही ना कर पाओ। तो ये मिलते हैं छोटे छोटे ना जेट से, तो जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं उनमें जेट होता है, जो कन्वीनियंस स्टोर और सुपरमार्केट के जो होते हैं ना टॉयलेट, और स्टेशन के कई स्टेशनों के जो होते हैं टॉयलेट उनमें जेट वेट होता है, वॉशलेट होता है, पानी की धारवार आती है मस्त। घरों में इतना ज्यादा होता नहीं है, घरों में स्कूलों में इतना होता नहीं है। ये है ना, ये दे रखा मैंने, इससे काम चलाता हूँ। कागज के बारे में तो हमने यही पढ़ा था, पहला पन्ना राम का, दूसरा पन्ना काम का। ये रहा पेपर, जैसे यूज करके इसे बहा दो। तो इसमें पता भगवान कसम क्या होता है, जैसे सिर्फ टॉयलेट पेपर से अगर साफ करते ना, तो कहीं ना कहीं वो लगी तो रह जाता है यार कुछ ना कुछ, तो फिर वो बाद में सूख जाता है, और फिर उसके बाद ऐसे कड़क हो जाता है, चलने में यार बहुत दिक्कत होती है। तो जितने भी पास में जो कन्वीनियंस स्टोर होते हैं, सुपरमार्केट होती है, फिर मॉल वॉल, उसमें जाओ, उसमें वॉशलेट होता है पानी की, वो जेट वेट होता है, उससे धो और फिर अपना दिनचर्या स्टार्ट करो, तभी रिलैक्स मिलता है। नहीं तो पूरे दिन ऐसी एक घिन घिन सी फीलिंग आती है, जो कि जापानीज लोगों को नहीं आती, क्योंकि उनकी आदत अलग है, हमारी आदत अलग है। आप जैसे मैं एक्सप्लेन करके भी बता सकता हूँ भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सॉस है ना, जैसे ये ले, मैंने हाथ में घेर लिया अपने। अब ये ले लिया मैंने पेपर, अब इसे ऐसे कागज से मैंने साफ किया, ये देखो, फिर दोबारा साफ करा, फिर और पेपर लिया, कागज लग रहा धीमते, ये मैंने इसे फिर और साफ करा, पूरा साफ हो गया, पर चिपचिपाहट लग रही प्रॉपर हाथ में अभी भी। ये देखो हल्का छूट गया यहाँ, और पीछे तो देख तो सकते नहीं है, ये यहाँ पे छूट गया, ऐसे इतने क्लियर से हाथ से देख के भी इतने छूट रहा है, पीछे पता नहीं क्या आता होगा, और अभी भी ऐसे चिपचिप हो रही है, हाथ धोना ही पड़ेगा। पर यहाँ तो अलग सिस्टम रहता है ना, धोते नहीं। अब देखो ऐसे धो के, आ हा हा, अब लग रहा है क्लीन, ये होता है। हाँ, नंबर टू, लाउडनेस, शोर। यहाँ जापान में क्या होता है, सब कुछ शांत रहता है। तुम अपना जो फोन होता है ना, नया नया अपने चाव से खरीदते हो, पर उसकी रिंगटोन नहीं लगा सकते, क्योंकि हर जगह तो फोन साइलेंट ही रखना होता है। ट्रेन में फोन यूज नहीं कर सकते, ऑफिस में फोन यूज नहीं कर सकते, मतलब हमेशा साइलेंट पे रहता है फोन। रिंगटोन मैंने इतना शौक से सोचा था कि रिंगटोन लगाऊंगा चोली के पीछे, क्या आज तक ना लगाई, साइलेंट पे रहता है फोन, हर जगह साइलेंट पे रहता है फोन। अपने घर में भी जैसे दोस्त वोस्त आते हैं, हम क्या करते हैं, गाने वाने चलाते हैं, थोड़ा नाच गाना भी हो जाता है यार। पार्टी नहीं भी करते, अपना खुद ही इकले गाने वाने चला दिए कभी रात को, तो पड़ोसी जैसे दीवारें ना बहुत हल्की होती है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, तो आवाजें जाती है, तो इसमें बड़ा कलेश मचता है। या तो सीधा मैं इसको जो बिल्डिंग का वो होता है मैनेजर वैनेजर, उसको फोन कर देते हैं, या पुलिस भी बुला देते हैं, कितनी बार तो बहुत ज्यादा लाउड हो रहा है, शोर मच रहा है, ऊपर वाले जैसे नीचे तरह ठोक 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 के दीवार ठोकते हैं, ढक 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 बोलते हैं कि शोर मत मचाओ। मेरा तो दोस्त है, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके, तो दरवाजे पे वो घर में गाने वाने चला के डांस वांस कर रहे थे अपना चार पांच लोग मिलके, तो किसी ने उसके दरवाजे पे फेविकोल डाल दिया था, अंदर चाबी घुसाने वाला छेद होता है ना, वो लॉक होता है उसके अंदर, फेविकोल घुसा दिया उसके अंदर, और वो पूरा जाम हो गया सुबह तक, पता नहीं चला किसने घुसाया दूसरे ने, पर फिर उसको बदलवाना पड़ा, उसमें लगे उसके 30-40 हज़ार रुपए। और ये शोर शराबे को लेकर यहाँ पर लोगों में बर्दाश्त इतनी कम है, ये अपने मन से नहीं बता रहे, ये न्यूज है। क्योंतो में एक आदमी 38 साल का कुछ आदमी था, उसने उसके ऊपर एक लड़की रहती थी 18-19 साल की, उसको चक्कू से मार दिया था, और जब पुलिस ने पूछा ना कि भाई क्या पकड़ा गया, जब वो वारदात के बाद बोला बहुत शोर आता था, इसी कमरे से मेरे से बदाश से बाहर हो गए, तो मैंने इसको मार दिया। अरे जो और हमारा प्रेशर कुकर होता है ना,
वो जापानीज लोगों के लिए वो भी बहुत ज्यादा लाउड होता है और उससे डरते भी बहुत है, ऐसे उसमें से धुआं निकलता है, ऐसा लगता है ना जैसे फट जाएगा। अरे जब हम घर में बात कर रहे होते हैं ना, सबसे जरूरी चीज जो होती है, तो वहां पर बज रहे होते हैं 9, 8:30, यहाँ बज रहे होते हैं उस हिसाब से 12, 12:30 के आसपास। तो हम तो अपने नॉर्मल पेस से बात कर रहे होते हैं, इतना ज्यादा कुछ नहीं, पर इनके हिसाब से बहुत तेज हो जाता है वो। अरे क्या है। हाँ, तो ये इतनी चीज भी इनके हिसाब से बहुत तेज हो जाती है और जो इनके बर्दाश्त के बाहर होती है, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप जापान में आते हो या फिर रह रहे हो, और रह रहे हो तो आपको पता होगा ये सारी चीजें। हाँ, नंबर तीन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स में क्या होता है, यहाँ के डॉक्टर्स को भी इतनी इंग्लिश नहीं आती कि वो हमारी बात समझ पाए या वो हम उनकी बात हम समझ पाए। टोक्यो में एक दो डॉक्टर्स हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, बहुत मुश्किल से ढूंढने पड़ते हैं, पर भाई जब इमरजेंसी हो जाती है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, तो एकदम से कैसे आप तो भग के जाओगे ना इमरजेंसी रूम में, या फिर अपने पास का जो डॉक्टर होगा उस पे जाओगे। क्योंकि जब मैं पहले पहले आया था तो मुझे जापानीज इतनी ज्यादा आती नहीं थी, तो मुझे लग गया था लूज मोशन, मैं गया डॉक्टर के पास, मैंने उसे, अब मुझे नहीं पता था लूज मोशन को जापानीज में क्या बोलते हैं, तो गूगल ट्रांसलेट करना होता है लूज मोशन, उसमें जापानीज में आता है युरुई उगोकी, अगर ट्रांसलेट करो तो। और लूज का मतलब होता है ढीला, ढीला होता है जापानीज में जुरुई, और वो वाला ढीला नहीं नॉर्मल जैसे पेच ढीला हो जाता है वैसा, और मोशन होता है ना कुछ मूवमेंट या फिर कुछ हिलता, तो वो मोशन वैसे सीधा सीधा आ गया था उसमें उगोकी हिलना। तो मैं उसे समझा रहा हूँ कि ये देख देख, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या है ये, क्या ढीला है, क्या ढीला, क्या तेरा क्या ढीला चल रहा है, अब ये तो बता। अब मैं उसे समझा रहा हूँ, मुझे उसे मैं समझा नहीं पाया उसको, मैंने कुछ भी नहीं, मैं एकदम उसको मैं कुछ समझा नहीं पाया, फिर मैंने सीधा बोला ऐसे करके, अरे शावर शावर शावर, थाकी 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 होता जापानीज में झरने को बोलते हैं, मुझे वो पता था, मैंने ड्रामे में देखा था, तो मैं बोल रहा हूँ थाकी 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 रुम्बा की शावर थोरे थोरे टॉयलेट शावर अबुनाई अबुनाई होता डेंजरस अबुनाई डेंजरस थाकी थाकी। तब जाके उसे समझ में आया, उसने देखा कि अरे क्या पागल कार्टून कहाँ से आ गया सुबह सुबह यार, इसे क्या बोलूं मैं, तो क्या फिर उसने समझा, उसने देखा कि अच्छा इसको लूज मोशन लगे हुए, तब मुझे पता चला कि उसको बोलते गैरी जापानीज में। और उस टाइम पे तो मेरी हालत खराब थी, मुझे ये भी नहीं ध्यान आया था कि यार इंग्लिश में उसको डायरिया भी बोलते हैं, लूज मोशन पता नहीं कौन सी टर्म है, सिर्फ शायद इंडिया में होती है बाहर नहीं होती। तो उसके बाद मैंने उसे डायरिया बताया, फिर उसको भी समझ में आई, तब जाके चीजें ठीक। ऐसे प्रॉब्लम होती है यार, ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती है, इसका सॉल्यूशन तो क्या है, यही है अपने आप को एक्सप्लेन करो जैसे तैसे, समझ लो 2-4 वर्ड होते हैं, सिर्फ दर्द का मतलब होता है इताई जापानीज में, सर को बोलते हैं, सर में दर्द है तो आत्मा का इताई, सर को बोलो आत्मा, पेट होता है ओनाका, और पेट को ई भी बोलते हैं ई। अब जैसे डायरिया है जो लूज मोशन है उसको बोलते हैं गेरी, अब उल्टी सी आ रही है तो उसको बोलते हैं हाकी सो, और इसको आंख में दर्द है मे, ये सब चीजें रहती हैं यार, इस चीज को थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना तो तुम्हारा भला हो जाएगा। नंबर चार है शॉपिंग। शॉपिंग जो होती है खाने की भी, अपने खाने की ग्रोसरी शॉपिंग या वैसे शॉपिंग जो कपड़े लगते रहते हैं जूते रहते हैं उनमें भी यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है सबको, जो जहाँ पर रहते हैं उनको अभी भी आती है। वैसे यहाँ पर फूल गोभी जो रहती है ना कॉलीफ्लावर वो नहीं मिलता, उसकी जगह ब्रोकली मिलती है भर के, और गलती से अगर मिल भी जाएगी तो महंगी मिलेगी, वो बहुत मुश्किल से ढूंढनी पड़ती है, कई सुपर मार्केट में मिलती है और बहुत सारे सुपर मार्केट में मिलती नहीं है, वो नहीं मिलते। जैसे प्याज हमारी जैसे वो प्याज रहती है लाल सी प्याज रहती है, यहाँ पर प्याज होती है सफेद कलर की, वो इतनी बड़ी बड़ी प्याज रहती है वो मिलती है, वो नॉर्मल हमारी लाल प्याज नहीं मिलती, तो अगर फिर वो बनाते हैं तो सब्जी का थोड़ा टेस्ट अलग सा आता है, वो नहीं मिलती। और कपड़े जैसे खरीदने जाओ शर्ट वर्ट टी शर्ट, जैसे जारा का स्टोर है, H&M है, ये सब जो नॉर्मल है ना एम साइज मीडियम साइज लार्ज साइज ये तो मिलता है, पर फॉर्मल शर्ट लेनी हो कहीं पे या फिर फॉर्मल जूते लेने हो तो उनका साइज अलग होता है। अब उसमें ऐसे शर्ट में लिखा रहता है कि हाथ की लंबाई इतनी है, कॉलर की गोलाई इतनी है सेंटीमीटर में, और तुम्हारी कमर का साइज शोल्डर का साइज ये लिखा होता है। अब कमर वमर का तो नापा होता है पर ये थोड़ी पता है हाथ कितना लंबा, ये कौन नापता है, बाकी सारी चीज तो फिर भी नाप लो, कमर वमर पता होती है, चेस्ट का साइज पता होता है, हाथ कितना लंबा है फिर इससे मैच करके देखना पड़ता है कि शर्ट हमारी कौन सी फिट आएगी। जूतों का भी साइज यहाँ पर अलग होता है, जापानी साइज अलग होता है, इंडिया में से 8 नंबर होता है ना, वो जापान में 8 नंबर होता है 26.5 सेंटीमीटर, यहाँ जापान में जूतों का साइज सेंटीमीटर में बताया जाता है 26 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर। और जैसे आप अगर जूते खरीदने जाते हो उनको बोलोगे ना 8 नंबर का जूता दे दे US साइज या UK साइज, तो वो बहुत स्लो प्रोसेस करते हैं, अगर उनको जापानीज नंबर बोल दोगे ना 26.5 दे दो 26. जैसे 26 दे दो 27 सेंटीमीटर का दे दो फट से ले आते हैं। तो UK साइज से कंपेयर करके वो जापानीज का चार्ट आता है
उसे देख के जूते खरीदने में आसानी हो जाएगी। ये है सबसे तगड़ा टाइम। जापानी लोगों की टाइम की जो मैनेजमेंट है वो तो सबको पता है, पूरी दुनिया में फेमस है। और जहाँ वर्क एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पर ऑफिस का टाइम होता है, उसमें तो लेट हो नहीं सकते ना, वो है नामुमकिन। नहीं, अगर आप लेट गए अपनी जॉब पे तो आपकी नौकरी गई, ये तो तय है। तो उससे पहले जाना पड़ता है। पर प्रॉब्लम क्या है, जो प्राइवेट अपनी लाइफ होती है ना, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा रहे हो, आप डेट पे जा रहे हो, उसमें भी टाइम का बहुत ज्यादा वसूली रहती है यार। अब आप घूमने फिरने जा रहे हैं, चिर मारने जा रहे हैं, उसमें एक मिनट, दो मिनट, चार मिनट, पांच मिनट में अगर लेट हो भी जाओ, बात बात करके सॉल्व हो जाती है चीजें। पर नहीं, उसको भी यहाँ पर ऐसे लठ दे देते हैं उसमें भी। पता है क्या, जैसे मेरी अपना बताता हूँ पर्सन, मेरी एक बार एक डेट थी काफी पहले जब मैं टोक्यो में रहता था, तो टाइम फिक्स हो गया। ऐसा था चार दिन बाद संडे है, संडे को हम 12 बजे मिलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई मिलेंगे। तो वो संडे आ गया, मैं अपना मस्त घर में लोट मार रहा था। मैं बार बार फोन करके पूछूंगा तो मैं डेस्परेट लगूंगा, जब उसको मिलना होगा तो आराम से फोन कर देगी, तब चले जाएंगे आराम से, तब तक लोट मारो, बढ़िया छुट्टी है। तो उसका ठीक 12 बजे फोन आया, फोन थोड़ा 5 मिनट पहले से बज रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, साइलेंट पे था फोन, था पता भी नहीं चली थी। तो फोन आया एकदम से भयंकर तरीके से, रो रही, क्या हो गया तेरे को, तू ठीक तो है, कहाँ है तू, कहाँ है तू। मैंने कहा अरे मैं तो घर पे हूँ, लोट मार रहा हूँ, आज बता मिलना है तो आ जाता हूँ। क्यों मिलना है तो आ जाता हूँ तो क्या मतलब है, मैं यहाँ खड़ी हुई इतनी देर से। मैंने कहा तो अच्छा ठीक है मैं आ जाता हूँ। क्या कर रही थी, जो प्रॉमिस निभाना नहीं होता, प्रॉमिस करता क्यों है। तो मैंने कहा अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, जल्दी आ अभी क्यों अभी आ। तो मैंने कहा अरे भीषम पितामह थोड़ी गैली पर कट हो जाऊंगा, जो आने में टाइम लगेगा वो तो अब लगेगा ही लगेगा, रुक जा। फिर मैं वहां गया, वो मेरे पे इतना चिल्ला के पड़ी, करी तेरा फोन क्यों साइलेंट था, मैं फोन करी उठा नहीं सकता था। मैंने कहा साइलेंट पे था फोन, करी क्यों कर रखा था साइलेंट फोन, जब तुझे पता था हमें मिलना था। मैंने कहा तब नहीं करवा रखा साइलेंट पे फोन, हर जगह यहाँ फोन मत करो, वहां फोन यूज मत करो, अब ले ले गौज के लट्टू गौज में। हाँ तो उसने मुझे बहुत सुनाया। मैंने उसको बोला भाई, मतलब बहन जी, इज्जत पूर्वक हाथ जुड़वा लो, मेरे से नहीं हो पाएगा, आपको जो खाना खाओ, आपको जो पीना पियो, मैं सारे पैसे दूंगा उसके बाद। अच्छा जी फिर भी लेके राम राम। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब कर उनको सच में बहुत 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 थैंक यू, और जिन्होंने नहीं करा हो आराम से कर लेना, बाद में यार कोई आफत नहीं आ रही है। अच्छा जी फिर मिलेंगे, राम राम।